सो हेलो, व्हाट इज अप एडिटर्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो। तो कैसे हो आप लोगों? आपके आप लोग बढ़िया रहेंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो आज का मैं फिर से ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ, एक जैसे कि मैंने वादा किया था, एक एडिट के बाद एक ट्यूटोरियल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप प्रिज्मा 3D में मिक्सम एनिमेशन का फाइट सीन कैसे बना सकते हो, मीन्स एकदम पीसी लेवल की फाइट सीन प्रिज्मा 3D में, एंड्रॉयड में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नहीं, आज मैं इंट्रो नहीं डालूंगा। आज मैं अभी यहाँ पे प्रीव्यू डाल देता हूँ। तो जब आप प्रीव्यू को देख लो, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा, वैसे अभी वैसे ही हम बनाने वाले हैं फाइट सीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पफिन ऐप को ओपन कर ले रहे हैं। ये मैंने सब मीन्स पार्ट वन में सिखाया। अगर आपने पार्ट वन ये देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हो। आपको मीन्स कहाँ से सब लेना है, मिक्सम और मिडल मॉडल कैसे इंपोर्ट करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मैंने दो मॉडल्स की लिंक दी है, एक क्रिमिनल और एक रूह कैफे। और इस बार की लिंक थोड़ी अलग है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है, मतलब आपको लिंक को ओपन कैसे करना है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको दो लिंक मिल जाएगी, एक क्रिमिनल की और एक रूह कैफे की मॉडल के। तो आपको दोनों दोनों डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी मॉडल पे क्लिक लिंक पे क्लिक करना है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिख मीन से ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरा लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा, अब तक आप जब बैकग्राउंड वाइज को इग्नोर करना, बहुत शोर है यहाँ पे, रोड बाजू में रहता हूँ, इसलिए मीन्स रोड पे नहीं, रोड के बाजू में रोड लाइन पे रहता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो आपको वहाँ पे ऊपर आएगा आई एम नॉट अ रोबोट। आपको उस ऑप्शन को मीन्स वेरीफाई करना है आपको खुद को। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर दूसरे पेज पर रिडेक्ट कर दिया तो आपको बैक कर देना है, नहीं के तो ऐसे ही रहने देना। फिर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वेर इज मीन्स फाइंड अ फायर हाइड्रेंट। तो यहाँ पे तीन है तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अगर आपका नेट अच्छा नहीं है तो देखो आपका क्या कि नेट का हिसाब से आपको होगा। देखो मैं नेट ज़रा वीक है यहाँ पे, एक मिनट में रिफ्रेश करके आया। तो अभी देखते हैं मेरा होता है कि नहीं, मैंने कनेक्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आया बाईसाइकिल, तो मैं यहाँ पे जल्दी चले करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। फिर से एक बार ट्रैफिक लाइट पर इतनी ईद हुई है, तो देखो देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। तो आपको क्लिक हियर टू पहले देखना है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको दूसरे साइड पे रिडेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको एक बार बैक क्लिक कर देना है, फिर आपको कुछ ऐसा आएगा, योर लिंक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। तो आपको वो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक बिल्कुल नहीं करना है, वो आपको बस एक ऐसा शो के लिए, शो पीस नहीं है, ऐसे दिया है वो, उससे आपको मॉडल डाउनलोड नहीं होगा। इससे आपके सेकेंड्स खत्म हो जाते हैं, तो आपको नीचे जाना है, 0 सेकंड में जाते हैं नीचे जाना है। फिर आपको यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको एक बार बैक कर देना है, फिर आपको कुछ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से आपको एक बार दो तीन बार बैक कर देना है, एक या फिर दो बार, तब तक फिर से बैक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा मॉडल आ चुका है। तो अभी ऐसे आपको दोनों मीन्स दोनों मॉडल डाउनलोड कर लेने। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, फिर से मॉडल इंपोर्ट कर लिया हमने मिक्सम में। अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे मीन्स ये मैं सब मैंने आपको पार्ट वन में सिखाया है। अगर आपको अपने अगर पार्ट वन नहीं देखा तो आप भी जाके पार्ट वन देख लो। मैंने फिर से आई बटन पे ऊपर लिंक दिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, तो आप जल्दी से अब भी जाके देख लो, फिर बाद में मत कहना कि यहाँ पे सिखाया नहीं। तो अगर इस वीडियो पे 24 आवर्स के अंदर 50 लाइक्स हो जाते हैं, तो मैं मॉडल के साथ इसका एनिमेशन भी अपलोड कर दूंगा, मीन्स डिस्क्रिप्शन में एनिमेशन के साथ इंप्लोड कर दूंगा लिंक के साथ। तो देखते हैं अभी 24 आवर्स में 50 लाइक्स होते हैं कि नहीं। अगर चाहिए एनिमेशन पहले से ही, इतना नहीं करना है सब, तो आप जल्दी से कर लो, मीन्स 50 लाइक्स करो 24 आवर्स के अंदर, तो मैं एनिमेशन अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं एनिमेशन भी अपलोड कर दूंगा, देखते हैं अभी कैसा होता है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो जल्दी से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्रिमिनल मॉडल इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कि मीन्स आपको सर्च करना है फाइट सर्च करना है, फिर आपको सर्च कर देना है, सर्च कर रही हो वैसे। तो आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको ढूंढना है कि जो आपको बताऊंगा मैं अभी कौन सा। सबसे पहले आपको जो आपने देखा ऊपर फिस्ट फाइट ए और फिस्ट फाइट बी दो है, तो आपको डाउनलोड कर लेने। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा एनिमेशन, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कैसे करते हैं। सबसे पहले अभी फिस्ट फाइट ए सिलेक्ट करता हूँ, मैंने उसको एक बार क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मीन्स लोडिंग लगा। तो देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन इंपोर्ट हो चुका है। अभी आपको इसकी स्पीड स्लो करने के लिए जो ओवर ड्राइव को ऑप्शन है, आप एकदम घटा कर दो, मीन्स 50 है तो आपको एकदम 0 कर दो। जब मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ एकदम फुल, तो स्पीड स्लो हो जाएगी, इन शॉर्ट स्पीड स्लो हो जाएगी इसकी एनिमेशन की, तो मैं भी कर रहा हूँ।
या से ओवर ड्राइव के सीधा एकदम घटा देता हूँ, तो इसकी थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी एनिमेशन की। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, अगर आपको आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करके तो अभी मैं दूसरा रो का भी मॉडल इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने रो का भी मॉडल इम्पोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर आपको जो अभी मैंने दो एनिमेशन बताए थे फिश फाइट ए और फिश फाइट बी, तो आपने फिश फाइट ए डाउनलोड कर लिया, तो अभी आपको फिश फाइट बी करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो ये मैं जल्दी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से अभी एनिमेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी आपको सीधा अपने प्रिज्मा में 3D में ओपन करना है, आपको प्रिज्मा 3D ऐप ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रिज्मा 3D ओपन कर दिया है। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, मींस अगर आपको न्यू बनाना है तो न्यू बना लो, या फिर अपना पहले से ही जो बना हुआ है वो बना सकते हो। मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। फिर आपको 3 lines पे क्लिक करना है और 3D इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और जहाँ पे आपने फाइल सेव की है इंटरनेशनल या फिर आपने से डाउनलोड किया, डाउनलोड सेक्शन में जाके मीन्स फाइल इंपोर्ट कर लो। तो मैं जैसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैंने दोनों एनिमेशन इंपोर्ट कर लिया है। जो मैं सबसे पहले इसके साइज मीन जरा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने साइज एकदम परफेक्ट दोनों के एडजस्ट कर लेने, एकदम सेम साइज के रखना है दोनों, मीन्स सेम लेवल के होने चाहिए। तो अभी मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, ऊपर मॉडलिंग के बाजू में जो एनिमेशन है उस पर क्लिक करता हूँ, और सबसे पहले इसकी जरा सबको 36 ओके परफेक्ट। अभी मैं एनिमेशन पे क्लिक करके प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे अपना एनिमेशन प्ले हो चुका है। अभी आप अगर प्ले करके देखोगे तो जरा मींस बहुत वीड लगेगा, क्योंकि आप वो हाथ कहाँ और लगा रहा है, उसके हाथ उसके बॉडी के अंदर से जा रहे हैं, तो बहुत अजीब लग रहा है। तो आपको ये एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक मॉडल लेना है, मींस जो आप सबसे पहले अभी मैं शायद जरा इस पर आपको जरा हिला के देखना है, मींस मूव करके देखना है इसको टाइमलाइन को थोड़ा सा। तो यहाँ से मैं जरा मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे परफेक्ट एकदम एंगल आपको देखना है कि कहाँ कौन सा हाथ कौन सा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं ले रहा, मैं किक कर लेता हूँ, जो लास्ट में किक थी ना वहाँ से एकदम परफेक्टली पता चल रहा है कि कौन सा कहाँ से आ रहा है। तो मैं जरा यहाँ पे कर लिया, फिर आपको यहाँ से एडजस्ट कर देना है कि मुक्का कहाँ मार रहा है, तो मुक्का उसके सीधे इस पर लगना चाहिए, ऐसे कुछ एडजस्ट कर देना है। तो मैं भी एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से, यह इतना मीन से यह हाथ रोक रहा है ऐसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे तो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हाथ इसके अंदर बाहर हो रहा है, वो बहुत अच्छा मीन गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, गंदा लग रहा है बहुत, तो रियल फाइट नहीं लग रही है ऐसे, मीन्स ऐसा लग रहा है। ये देखो पैर, उसका पैर भी उसके अंदर से जा रहा है, मीन्स बॉडी के अंदर से जा रहा है उसका पैर भी। तो इसको मैं देखो किक में एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि आपको कहाँ लगाना है। तो देखो मैं रोक के मॉडल को लेता हूँ, या फिर मैं इसको क्रिमिनल के मॉडल को भी लेता हूँ, इसको एडजस्ट करता हूँ। रुको, यहाँ से देखो उसके पेट पर आत्मा थे, तो वहाँ कुछ अलग ही जगह पर मार रहा है। तो देख मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके ऐसा दिखा रहा हूँ, इस ऐसे दिखाता हूँ कि इसके वो पेट पे लात मार रहा है। इसको पीछे लेके थोड़ी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और इस साइड करता हूँ रेड हिस्से। ओके यहाँ पे हो गया। तो अभी देख सकते हैं प्ले करके कैसा हो रहा है। तो ये एकदम यस एकदम सही हो चुका है, मीन्स एकदम परफेक्ट रियल लग रहा है फुल एकदम, कि रियल में से फाइट हो रही है, ऐसे कुछ भी हाथ के मीन्स अंदर बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मीन्स बॉडी के अंदर से जा रहा है इसका हाथ, इसका कुछ अलग तरीके से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्टली हो रहा है। तो मैं इस एकदम ये कर लेता हूँ, शायद इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, मैं 7 कर देता हूँ, 36 की। आप साइज़ के अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कहाँ गया मेरा मॉडल, ये यहाँ पे। तो अभी जैसे ही आपका सब एडजस्टमेंट हो जाएगा एनिमेशन का, तो आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट मींस कोई भी एक जगह इंपोर्ट कर लेना, जैसे ऑब्जर्वेटरी, क्लॉक टावर, पीक, कोई भी इंपोर्ट करना है। तो मैं जैसे क्लॉक टावर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैंने क्लॉक टावर यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो इसकी थोड़ी सी मींस यहाँ पे जहाँ नीचे कर देता हूँ, परफेक्टली एडजस्ट कर देता हूँ ज़मीन पे। इसकी साइज भी बहुत बड़ी है, इसको दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ ही साइज करा देता हूँ। सबसे पहले इसको 0.5 कर दे दोनों को, ग्रुप मैंने ग्रुप में डाला है दोनों को, इसलिए तो गलत में समझना कि मैं 0.5 क्यों कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप में डाला है। तो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इसके चेक करता हूँ मैं,
ओके डोर केस से 6 0.6 यस 0.6 एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो अभी मैं कई एक अच्छी जगह एडजस्ट कर, जैसे मैं रूफ के टॉप पे जैसे मैं प्रीव्यू में दिखाया वैसे हम मैं एडजस्ट कर रहे थे अभी अभी के लिए प्रीव्यू जैसा। तो यहाँ पे इस टाइप और भी अभी आपको जहाँ भी मीन्स जहाँ भी आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हो, लेकिन अच्छी तरीके से करना मीन्स ऐसा कहीं भी मत कर देना। मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए रूफ टॉप पे लगाया, मीन्स एकदम ज़रा स्कैरी लगे कि इतने ऊंचाई पे ऐसे लड़ रहे हैं। तो बस अगर आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे, और एक कमेंट भी कर दो अच्छा सा। अगर यहाँ तक देख रहे वीडियो तो फिर से एक बार कमेंट करो, पिछले पार्ट में बहुत लोगों ने किया, मुझे अच्छा लगा। और अगर आप बोल दो कमेंट्स में, मैं वोटिंग डालूंगा कमेंट्स में कि टॉप 3 कमेंट्स को मैं अगले वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं अगले वीडियो से 3-4 कमेंट्स को शाउट आउट दे दूंगा मीन्स रैंडमली। तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Как таман, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерна горят. Мог тебя взять, но ты...